मैनपुरी शहर के शमशान घाट रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया। शमशान घाट रोड पर बने डूब क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम किया गया। एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। डूब क्षेत्र में प्लॉन्टिंग कर रहे लोगों पर भी कार्रवाई के लिए सदर एसडीएम ने शहर कोतवाली को निर्देशित किया है। आपको बताते चले, शमशान घाट रोड पर स्थित डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़क को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, तो वहीं बाउंड्री वॉल को भी गिरवाने के साथ अन्य अवैध निर्माण भी गिराए गए। के खिलाफ आपने अभियान चलाया है, क्या अभियान है, किस तक चलता रहेगा? डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का आवासीय निर्माण अलाउड नहीं है। ये जनक्षति के लिए भी है और ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ कोई नक्शा नहीं पास हो सकता, इसलिए यहाँ पे अवैध अतिक्रमण के अगेंस्ट अभियान चलाया गया है, जैसा कि शासन की मंशा है। यह हमारा जो अभियान है कम से कम भी 15 दिन चलेगा, जहाँ पे हमारा मेन फोकस है उन भूमाफियाओं पे जो अवैध प्लॉटिंग करते हैं, ताकि लोग जब उनका ज़मीन खरीद लेते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि ये डूब क्षेत्र में है, अतः नुकसान उन लोगों का होता है। तो यहाँ पे मेन फोकस यही है कि अवैध प्लॉटिंग ना होने पाए, और इसके लिए ये अभियान चल रहा है। कम से कम भी 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक ये चलेगा, और कोशिश ये रहेगी कि हर तरह का अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाए। डूब क्षेत्र में सड़क भी बना दी गई है, प्लॉटिंग की व्यवस्था की जा रही थी, रोड डाल दी गई है, किस तरीके का आप संदेश या मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को? जो भी भूमाफिया इस तरह की अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनको यही संदेश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, FIR भी होगी, नोटिसेस भी दिए गए हैं, और अंततः वो पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे कोई भी तरह का अवैध निर्माण ना हो सके।